दुनिया भर में बनारसी कचौड़ी और जलेबी की स्वाद मशहूर है। इस स्वाद को काशी के शिवभक्त पिछले 23 सालों से लगातार अमरनाथ श्रद्धालुओं तक भी पहुंचा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रियों के लिए कश्मीर के चंदनवाड़ी में काशी का 24वां विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए यह शिविर 29 जून से पूरे सावन महीने तक चलेगा। अमरनाथ जाने वाले शिव भक्तों के लिए कैंप में नाश्ते से लेकर खाने तक का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस कैंप में भक्तों के रुकने की भी व्यवस्था होगी। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने प्रेस वार्ता करके दी। वाराणसी के चौक स्थित अपने कार्यालय में दिलीप सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि 26 जून को सेवादारों का एक जत्था जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगा, जो पूरे सावन माह यानी करीब 40 दिनों तक चंदनवाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की अनवरत सेवा करेगा। 10 सेवादारों का पहला जत्था वहां पहुंच चुका है और उन्होंने मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। दिलीप सिंह बंटी ने कहा कि पहले जत्थे के बाद अब 24 जून को हमारा दूसरा जत्था 10 सेवादारों के साथ वहां एक बार फिर रवाना होगा और फिर 26 जून को 60 सेवादारों का तीसरा जत्था दिलीप सिंह बंटी व विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में वाराणसी स्टेशन से बेगमपुरा एक्सप्रेस से रवाना किया जाएगा। यहाँ से रवाना होने से पहले 26 को सुबह एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी। ये रैली लक्सा से निकाली जाएगी, फिर गोदौलिया, बांस फाटक, चौक, मैदागिन, लौहरबीर होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुँचेगी, जहाँ से ट्रेन के लिए ये लोग चंदनवाड़ी के लिए रवाना होंगे। बाबा अमरनाथ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क बनारसी कचौड़ी, जलेबी, ठंडई और पान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भंडारे में बनारसी ठंडई, पूड़ी, जलेबी, दाल, चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा, दूध के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल, जूता, मोजा, टोपी, स्वेटर, शॉल इत्यादि उपलब्ध रहेगा और इस कैंप में लगभग 300 श्रद्धालु यात्रियों के ठहरने का इंतजाम होगा। अभी हमारे 10 सेवादार करीब 12 या 13 तारीख को यहाँ से निकल चुके हैं, जो कि अमरनाथ जी की यात्रा में प्रबंध करने के लिए टीन सेट वगैरह लगाने के लिए 20 सेवादार कल की डेट में बेगमपुरा एक्सप्रेस से 20 सेवादार निकलेंगे, जो वहां पे जाके टेंटिंग कैंपिंग की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ उठाएंगे। उसके बाद 5 से 6 सेवादार जो पंजाब मेल से निकलेंगे अमृतसर की ओर, जहां हमारे 2-3 ट्रकों में सामान लोड होके चंदनबाड़ी की तरफ रवाना करते हुए लोग निकल जाएंगे। 26 तारीख को मेरे नेतृत्व ने 65-70 सेवादार करीब 2-4-5 ऊपर नीचे ये निकलेंगे मेरे निवास स्थान से एक बाइक रैली के रूप में। 300 से 400-500 आदमी काशीवासियों का काफिला रहेगा, जो हम लोगों को बाइक रैली के साथ स्टेशन तक जाएगा और हम लोगों को बेगमपुरा एक्सप्रेस से विदा करेगा। विशेष रूप से इसमें महापौर जी, कैंट विधायक, दशरी विधायक, दयालु भैया और भी विशेष रूप से काफी बनारस के अच्छे समाज सेवी ये सब इस रैली में शामिल रहेंगे, बाइक रैली में जो हम लोग सब स्टेशन तक चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक हम लोग वहां भंडारे में विशेष रूप से काशी का व्यंजन वो जरूर लोगों को खिलाते हैं, जैसे सुबेरे पूरी कचौड़ी जलेबी, शाम को ठंडाई, पान का अपना भंडारा अलग रहता ही रहता है और बाकी तमाम खाने के व्यंजन दाल चावल रोटी, ढोकला, इडली, डोसा, ये सारी व्यवस्था रहती है। इस बार विशेष रूप से हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की है कि हम वहां पे मलाइयों बना सके। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।